हेलो एवरीवन, आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क की 2023 की वैकेंसी आउट हो गई है। इसकी नोटिफिकेशन डेट जो है आपकी आउट हो चुकी है। और यहाँ पर कब आप इस फॉर्म को भर सकते हो, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, वन बाय वन। कि वैकेंसी डिटेल क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ तक कि लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या रहा था और सैलरी आपका जो है क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपके पास देख लीजिए, ये आईबीपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके जो है वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब आईबीपीएस ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है, और सीआरपी मतलब आपका यहाँ पर जो है कॉमन एक रिक्रूटमेंट हो जाएगा सीआरपी, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट होता है। इसका मतलब ये 2024-25 के लिए जो आपका सिलेक्शन है ये आपका जारी कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। और जो भी बच्चे परेशान हैं, जो सरकारी रिजल्ट पे या वेबसाइट पे जाकर ओपन कर रहे हैं, उनको वेबसाइट खुल नहीं रही है, परेशान है वो कि आखिर कैसा ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और हम जो है चाह करके भी जो है वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे, परेशान है सब लोग। तो उसका मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, परेशान मत होइए, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टेंडेटिव डेट्स क्या है उनको देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो बोला गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। कब तक रहेगा, 21 जुलाई तक जो है आप फॉर्म भर सकते हो, मतलब आपको 20 दिन का, 21 दिन का टोटल टाइम आपको मिलेगा। फिर उसके बाद करें पेमेंट एप्लीकेशन फीस, कब तक आप जो है सबमिट कर सकते हैं, सेम उसी डेट में आप पेमेंट जो है ऑनलाइन आप कर सकते हो। आप जो कॉल लेटर्स है प्री एग्जाम के लिए वो कब डाउनलोड करोगे, वो अगस्त में आएगा। प्री एग्जाम की कुछ बच्चों की ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है SC ST वालों की, उनके लिए जो है अगस्त 2023 में कराया जाएगा। और साथ में आपका जो एग्जाम होगा वो अगस्त सितंबर के मिड में होगा, अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में ये एग्जाम इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, यहाँ तक हो सकती है। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उसी के अगले महीने सितंबर से अक्टूबर तक में जो है आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा। और फिर उसके बाद मेन एग्जाम जो है वो आपका मेन्स का जो एग्जाम होगा 2023 अक्टूबर में कराया जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब एक तरीके से इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है कि अप्रैल 2024 तक आपको ये ज्वाइनिंग करा देंगे, मतलब लगभग ये मान चलिए 8 महीने लगेगा। ओके, 6 महीने इधर 4 महीने उधर ले लेंगे, तो ये मान चलिए 10 महीने के अंदर इन्होंने कहा है कि हम जो है फॉर्म निकलने से 10 महीने के अंदर हम भर्ती करा लेंगे पूरी। बात करें यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न की, तो आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो हर एक एग्जाम के जैसा ही होता है, जैसे कि आपका PO का एग्जाम होता है या SBI का एग्जाम होता है, सेम वैसे ही एग्जाम प्री का होता है। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा PO के मुकाबले SBI के मुकाबले थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, या कह सकते हो बराबर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको सिलेबस तो वही मिलेगा, पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का होगा, दूसरा रीजनिंग आपका मैथ का होगा, और तीसरा जो है रीजनिंग का होगा। इंग्लिश में हर तरह जैसे हर एक एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन। रीजनिंग में जैसे आपके 35 क्वेश्चन होते हैं वैसे ही मैथ में 35, रीजनिंग में 35, नंबर बराबर उसी इक्विवेलेंट मिलेंगे। ड्यूरेशन जो है हमेशा की तरह 20 20 20 मिनट मिलेगा, मतलब टोटल आपको 1 घंटे का जो है टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपके जो हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, टोटल आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 अलॉट किया जाएगा। ये प्री का होता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो ये मेंस का आपका पैटर्न है। अब मेंस का जो एग्जाम पैटर्न 2023 के अकॉर्डिंग दिया गया, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। उसमें बताया गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 50 होंगे, किसको मिला करके, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को मिलाकर, मतलब आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी। 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा 60, नंबर ऑफ मिनट्स आपको जो अलॉट किए जाएंगे वो 45 मिनट्स रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा और 35 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। फिर आएगा क्वांट का सेक्शन मतलब मैथ आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स, 45 मिनट्स आपको अलॉट किया जाएगा। और फोर्थ जो सब्जेक्ट होगा अंतिम, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब इकोनॉमिक्स और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन देयर विल बी एंड 50 मैक्सिमम मार्क्स एंड 35 मिनट विल बी अलॉटेड फॉर यू, ठीक है। तो टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 190, 200 क्वेश्चन विल बी मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, 200 नंबर विल बी द मैक्सिमम मार्क्स एंड 160 मिनट विल बी अलॉटेड फॉर यू इन मेन्स एग्जामिनेशन। सब आपके सेक्शनल जो है ये आपके टाइम होंगे, 45 मिनट जब पूरा हो जाएगा तभी आप अगले सेशन में बढ़ सकते हो, और जब ये सेशन आपके खत्म हो जाएंगे तो आप दोबारा वापस इसमें नहीं जा सकते हो।
बात करें यहाँ पर सैलरी को लेकर, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इस एग्जाम को हम देते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी सैलरी क्या होगी। बेटा सैलरी अगर हम लोग बाद में देखेंगे, ये तो मैं बताऊंगा ही, पहले आप फॉर्म को भर दीजिए, उसकी तैयारी करिए आप अच्छे से, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो रहा है तो आप पीओ का एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे। फिलहाल बात करें यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी की, जो 2022 के अकॉर्डिंग है और बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुआ। अगर आप न्यू रिक्रूट होते हैं तो आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो लगभग जो है 20,000 के आसपास मिलेगा। उसमें कुछ अलाउंसेज होंगे, 5,000, कहीं 2,000, कहीं 4,000, ऐसे करके आपका जो ग्रॉस इनकम होगी वो आपकी होगी लगभग 30,000 के आसपास। बेसिक मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर आप मान चलिए आपको 30,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन उसमें से 10% आपका टीडीएस जो है टैक्स डिडक्शन होता है वो कटेगा, और वो आपको बाद में जो है अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो वो आप जो है फिर आपको वापस हो जाएगा साल भर के बाद में। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी आपको 10% कटी है जैसे इस पर्सन की, तो यहाँ पर जो है 10% कटने के बाद इसको 29,000 के समथिंग मिला है। तो आपकी फर्स्ट ईयर जो ज्वाइनिंग होगी वो क्लर्क बेसिस पे वो 30,000 के आसपास पे सैलरी होगी, लेकिन आप कुछ ही साल में आप ये मान के चलिए कि आपको 40 का जो है मार्क आप छू सकते हो। तो अच्छी खासी जो है आपकी इनकम हो सकती है। और अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे बाकी जितने भी जो है सैलरीज होती, चाहे आप बीपीएस पीओ की हो या फिर आपके एसबीआई पीओ की हो, एसबीआई क्लर्क की हो, आरआरबी पीओ की हो, हर एक तरह की सैलरी पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट, सैलरी वगैरह सेकेंडरी चीज है, आदमी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए सबसे बड़ी चीज होती है। और सैलरी तो वन बाय वन गवर्नमेंट जॉब में जो है इंक्रीमेंट इतना होता है, सोचिए पूछिए बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जो है अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।